नमस्कार, मैं हूँ यशी शुक्ला। स्वागत है आपका टाइम्स 18 न्यूज में। आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की। आइए रुक करते हैं खबरों की। वसरेहर विकासखंड क्षेत्र के कस्बा वसरेहर के इटावा बरेली हाईवे से निकली हुई लिंक सड़क वसरेहर किल्ली मार्ग पर जल भराव के कारण आम जनजीवन परेशानियों से भरा हो गया है। कई ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या इतनी विकराल रूप धारण कर रही है, फिर भी अधिकारी एक समस्या पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहे। पानी भरे होने के कारण करीब 1 किलोमीटर यह सड़क गहरे गड्ढे में तब्दील होकर तालाब का रूप लेती जा रही है। आए दिन इन गड्ढों में बाइक सवार गिरकर चोटिल होते हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से एक को लेकर बैठा हुआ, जबकि इस सड़क के रास्ते करीब क्षेत्र के 200 गांव का जुड़ाव है और इन 200 गांवों से करीब रोज 20,000 से 25,000 नागरिक रोज अपने नैतिक कार्य के लिए आवागमन करते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रपाल सिंह। चंद्रपाल जी, बताइए, रोड खराब है, कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है साहब, मेन रोड से लेके और किल्ली कस्बा के बाहर तक पूरा रोड पे गड्ढे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। दोनों तरफ जो नालियां हैं वो चौक पड़ी हुई हैं और गाड़ियां निकलती हैं उससे सारे यातायात करने वाले लोग परेशान होते हैं, छिटक जाते हैं और दुकानदार बहुत ही परेशान। बहुत बड़ा क्षेत्र इस रोड से लगता है। कितने गांव पड़ते जो इस रोड से निकलते हुए? लगभग मान के चलिए आप 50-60 गांव पड़ते होंगे, ज़्यादा पड़ते होंगे, लगभग 200 के गांव का आवागमन इस रोड से है सभी सर जी। वही कस्बा वसेहर दिल्ली रोड पर 200 दुकानदार इस पानी भरे कीचड़ की फिसलन भरी से उनकी दुकानदारी पर खासा असर पड़ रहा है। उनका कहना है कि हम लोगों की दुकान के सामने पानी भरे होने के कारण ग्राहक हम लोगों की दुकान पर नहीं पहुंचता है, जिस कारण हम लोगों की दुकानदारी पर असर पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? महेश। महेश जी, बता सकते हैं कि ये रोड खराब हुई कैसे हुई, क्या जी? सर, अभी बारिश हुई है 2-3 दिन पहले जी, उतने में इतना पानी भर गया है और नाली रुकी हुई पड़ी है, कोई रास्ता नहीं है पानी निकलने का। यहाँ बच्चे स्कूल भी जाते हैं, कोई मार्केट में आता है, बहुत आदमी परेशान है, निकलने में दिक्कत है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, कैसे गड्ढे हुए जी? ये बरसात हुई थी उसी का पानी भरा हुआ है और नाली बिल्कुल यात्रा बातरब रुदी भरी हुई है, पानी का कोई निकास नहीं, कोई निकास नहीं है पानी का। हम लोग बहुत परेशान हैं, इतना भी है दुकानों में भी पानी भरा हुआ है, समझो गाड़ी वाहन निकलता है तो दुकानों में पानी भर जाता है, हम लोग छिटक जाते हैं। ग्रामीण महेश चंद्र उर्फ नीटू, चंद्रपाल सिंह, जितेंद्र कुमार, साके, सुरेश चंद्र, अनेक ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि हमें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश चंद्र जी, बताइए, इस रोड खराब है, ये कैसे हुआ? इसमें क्या है, पानी भरा रहता है, अभी पानी भरता है, इसमें जो है पानी भर गया और जो है ये नाली में कोई मतलब परिवर्तन नहीं है, मतलब भरी हुई नाली है जहाँ में जो है पानी नहीं निकल रहा हो, तो हमें यहाँ जाम हो जाती है, गाड़ी वाली जो है यहाँ फंस जाती है, दुकानदार को और हजारों आदमी यहाँ से निकलना उठना बैठना है, कोई भी नहीं निकल पाता कोई गाड़ी। इटावा उत्तर प्रदेश से टाइम्स 18 न्यूज के लिए महावीर यादव की रिपोर्ट। टाइम्स 18 न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी सभी खबरें पहुंचे आप तक।